हाँ, तो पौराणिक कथाओं की बात चल रही थी। इन सब कथाओं में यही एक प्रधान भाव देखने में आता है कि मनुष्य जिस अवस्था में पहले था, अब उससे गिरी हुई दशा में है। आजकल के तत्वान्वेषी इस बात को एकदम अस्वीकार करते हैं। क्रम विकासवादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का संपूर्ण रूप से खंडन ही कर दिया है। उनके मत से मनुष्य एक विशेष प्रकार के क्षुद्र मांसल जंतु मोलस्क का क्रम विकास मात्र है। अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता। पर भारतीय पुराण दोनों मतों का समन्वय करने में समर्थ है। भारतीय पुराण के मतानुसार सभी प्रकार की उन्नति तरंगाकार होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती है, फिर गिरती है, गिरकर फिर उठती है और फिर गिरती है। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। प्रत्येक गति चक्रों में होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी यह दिखेगा कि मनुष्य केवल क्रम विकास का परिणाम है। ये बात सिद्ध नहीं होती। क्रम विकास कहने के साथ ही साथ क्रम संकोच की प्रक्रिया को भी मानना पड़ेगा। विज्ञान वेत्ता ही तुमसे कहते हैं कि किसी यंत्र में तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे, उसमें से तुम्हें बस उतनी ही शक्ति मिल सकती है। असत कुछ नहीं से कभी भी सत, कुछ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मानव, पूर्ण मानव, बुद्ध मानव, ईसा मानव, एक क्षुद्र मांसल जंतु का ही विकास हो, तब तो इस क्षुद्र जंतु को भी संकुचित या अव्यक्त बुद्ध कहना पड़ेगा। यदि ऐसा ना हो तो ये सब महापुरुष फिर कहां से उत्पन्न हुए? असत से तो कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार हम शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्ति धीरे धीरे नाना सोपानों में से होती हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणित होती है, वो कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं अवश्य वर्तमान थी। और यदि तुम विश्लेषण करते करते इस प्रकार के क्षुद्र मांसल जंतु विशेष या जीविसार प्रोटोप्लाज्म तक ही पहुंचकर उसी को आदि कारण सिद्ध करते हो, तो ये निश्चित है कि इस जीविसार में ही ये शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आजकल ये विवाद चल रहा है कि क्या पंचभूतों की समष्टि ये देह ही आत्मा, चिंतन शक्ति या विचार आदि नामों से परिचित शक्तियों के विकास का कारण है, अथवा चिंतन शक्ति ही देहोत्पत्ति का कारण है। निश्चय ही संसार के सभी धर्म कहते हैं कि विचार नामक शक्ति ही शरीर की प्रकाशक है और वे इसके विपरीत मत में आस्था नहीं रखते। अनेक आधुनिक विचारधाराएं, कॉम्टेज पॉजिटिविज्म मानती है कि चिंतन शक्ति केवल शरीर नामक यंत्र के विभिन्न अंशों के एक समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इस द्वितीय मत को मान लिया जाए, अर्थात ये स्वीकार कर लिया जाए कि ये आत्मा या मन, या इसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारो, इस जड़ देह रूप मशीन का ही फलस्वरूप है। जिन जड़ परमाणुओं से मस्तिष्क और शरीर का गठन होता है, ये उन्हीं के रासायनिक अथवा भौतिक योग से उत्पन्न होने वाली वस्तु है, तब तो ये प्रश्न ही असमाध्येय रह जाएगा। शरीर की रचना कौन करता है? कौन सी शक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप में परिणित करती है? कौन सी शक्ति प्रकृति में पड़ी हुई जड़ वस्तु के ढेर में से कुछ अंश लेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे प्रकार का बना डालती है? ये सब अनंत विभेद कैसे होते हैं? ये कहना कि आत्मा नामक शक्ति शरीर के भौतिक परमाणुओं के विभिन्न संघातों से उत्पन्न होती है, ठीक वैसा ही है जैसे बैल के आगे गाड़ी जोतना। ये संघात कैसे उत्पन्न हुए? किस शक्ति ने ऐसा कर दिया? यदि तुम कहो कि किसी अन्य शक्ति ने यह संघात कर दिया है और आत्मा जो इस समय एक विशेष जड़ राशि के साथ संहत दिखाई दे रही है, इन्हीं सब जड़ परमाणुओं के संघात का फल है, तब तो ये कोई उत्तर ना हुआ। जो मत अन्यान्य मतों का बिना खंडन किए, चाहे सबकी न हो पर अधिकतर घटनाओं की, अधिकतर विषयों को व्याख्या कर सकता है, वही ग्रह है। अतएव यही बात अधिक युक्तिसंगत है कि जो शक्ति जड़ तत्व को लेकर उससे शरीर का निर्माण करती है और जो शक्ति शरीर के भीतर व्यक्त है, वे दोनों एक ही हैं। अतः ये कहना कि
जो चिंतन शक्ति हमारे शरीर में व्यक्त है वो केवल जड़ अगुओं के संयोग से उत्पन्न होती है और इसीलिए शरीर से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं बिल्कुल निरर्थक है। इस कथन में कोई तत्व नहीं। फिर शक्ति कभी जड़ तत्व से उत्पन्न हो ही नहीं सकती, बल्कि ये प्रमाणित करना अधिक संभव है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल शक्ति की एक विशेष अवस्था है। ये सिद्ध किया जा सकता है कि ठोसपन, कठिनता आदि जो सब जड़ के गुण हैं, वे गति के फल हैं। द्रवों को प्रचुर शीर्षीय गति देने से वे ठोस हो जाएंगे। वायुपुंज में यदि अतिशय शीर्षीय गति उत्पन्न कर दी जाए, जैसे तूफान में, तो वो ठोस सा हो जाता है और अपने आघात से ठोस पदार्थों को तोड़ या काट सकता है। यदि मकड़ी के जाले के एक तंतु को अनंत वेग दिया जाए तो वो लोहे की जंजीर जैसा सशक्त हो जाएगा और ओक पेड़ को काट कर पार हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध करना सहज है कि हम जिसे जड़ तत्व कहते हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता। शरीर के भीतर ये जो शक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है, ये है क्या? हम सभी ये बात सरलता से समझ सकते हैं कि यही शक्ति, फिर वो चाहे जो हो, जड़ परमाणुओं को लेकर उनसे एक विशेष आकृति मनुष्य देह तैयार कर रही है। अन्य कोई आकर तुम्हारे या मेरे शरीर को नहीं बना देता। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि दूसरा कोई मेरे लिए भोजन कर लेता हो। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उससे रक्त, मांस, अस्थि आदि का गठन करना पड़ता है। यह अद्भुत शक्ति क्या है? भूतों को भूत और भविष्य संबंधी सिद्धांत भयावह प्रतीत होते हैं। भूतों को तो वे केवल अनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं।